नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग गेम में आपका स्वागत है। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ नर्सिंग गेम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज फिर से नई अपडेट लेके आए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं UPUMS स्टाफ नर्स की कट ऑफ के बारे में। जो UPUMS का एग्ज़ाम हुआ था 2 तारीख को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बारे में हम कट ऑफ लेके आए हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी। और हमने सर्वे भी किया है कि बच्चों का क्या रुझान रहा है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, और UPUMS ने एक मेल भी भेजा है सबको अपने स्कोर मार्क का, कि कितने सबके क्या क्या स्कोर मार्क हैं, क्या नंबर बने हैं। तो दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो के साथ, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं इंफॉर्मेशन की और क्या है इंफॉर्मेशन। तो टोटल पोस्टें हैं वो 600 पोस्ट थी, 600 पोस्ट थी। और MCQ क्वेश्चन है वो 200 नंबर के थे, 200 नंबर के MCQ क्वेश्चन थे। टोटल पोस्ट है वो 600 थी। और मार्क्स की बात करें तो नंबर है वो 600 नंबर का था, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का था। और इसमें हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी। अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, और इसमें 200 वो 600 नंबर के थे, टोटल मार्क्स 600 का था, 200 क्वेश्चन थे, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का था, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। तो बात करें हम कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों, कट ऑफ के बारे में अगर बात करते हैं UPUMS की, तो बच्चों का रुझान है वो भी हम बताएंगे कि क्या क्या बच्चों के स्कोर बने हैं। और दोस्तों, वेबसाइट पे ये भी इंफॉर्मेशन आ गई है कि आपके अगर ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं कोई क्वेश्चन पे, तो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आज बात करते हैं। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो UPUMS इटावा में भर्ती निकल रखी है 600 पोस्ट पे, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। तो जनरल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ लगभग है वो 350, अगर किसी के अंक बन रहे हैं 390 के बीच में, तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, 350 से 390 के बीच में सेफ जोन। बात करें OBC कैटेगरी की, तो 280 से 285 के बीच में अगर किसी के अंक बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में मान सकते हैं। SC की बात करें, SC में अगर आपके 220 से 230 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं। बात करें ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में 224 के बीच में अगर जिसके अंक बन रहे हैं तो अपने सेफ जोन में मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी। और बात करें EWS कैटेगरी की, EWS में अगर आपके 300 से 300 प्लस बन रहे हैं, 300 से 320 मान लीजिए अगर बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। तो दोस्तों, ये कट ऑफ थी जनरल की, SC की, OBC की, ST की, EWS की। ये लगभग दोस्तों हमने सर्वे के द्वारा कट ऑफ है, और ये लगभग कट ऑफ रह सकती है। तो आगे चर्चा करते हैं। तो अभी तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो बच्चों का जो रुझान आया है, अभ्यर्थियों का, वो हमने कवर किया है। ये रुझान आया है कि काफ़ी बच्चों के है वो 300 से ऊपर अंक बन रहे हैं, तो उसी के आधार पर हमने कट ऑफ तैयार की है कि बच्चों का रुझान क्या रह रहा है। और दोस्तों, अब रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, और ऑब्जेक्शन के लिए भी वेबसाइट पर लिंक है वो ओपन हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपका ये क्वेश्चन सही था और आपको अंक नहीं मिले हैं, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, और ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन सही है और मुझे इसमें अंक मिलने चाहिए। तो ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं दोस्तों, ये बच्चों का रुझान है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।